हनुमानगढ़ी सेवा समिति की बैठक संपन्न। नमस्कार, मैं अनिचप्तर, आप देख रहे हैं अनिचप्तर ऑफिशियल। गोपीगंज, दिन रविवार को हनुमानगढ़ी सेवा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी महाशिवरात्रि पर्व रंग भरी एकादशी को देखते हुए मंदिर और परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन, पेंटिंग के साथ ही टूटे फूटे हुए स्थानों की मरम्मत के साथ ही मंदिर के उत्तर दक्षिण छोरों पर डिस्प्ले फ्लेक्सिव बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि आने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। बैठक में मुख्य रूप से विजय साहू, भरत बर्नवाल, केपी श्रीवास्तव, बाबूलाल मदनवाल, परवेज, अमित जायसवाल, मनोज जायसवाल, कृपा माली, ईश्वरलाल बर्नवाल, सोहन साहू, विकास अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। इस आशय की जानकारी हनुमानगढ़ी सेवा समिति गोभी के विजय साहू ने दी है। नमस्कार, मैं अनिल सक्कर, आप देख रहे हैं अनिल सक्कर ऑफिशियल। तैयारी में हम लोगों ने जो है आगामी महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, रात्रि में पूजन कार्यक्रम, उसके बाद रंगभरी वार्षिक उत्सव हम लोग का होता है। उसके लिए पेंटिंग वगैरह का काम, जो टूटे फूटे स्थल हैं उनका जो है सुंदरीकरण के माध्यम से नवनिर्माण कार्य हो रहा है, और स्वच्छता पे विशेष ध्यान था हम सभी का, पूरे समिति के लोग बैठे थे हम सभी लोगों ने। और ये भी निर्णय लिया है कि हनुमानगढ़ी के दोनों तरफ एक गेट लग जाए, यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो भटक जाते हैं कि हनुमानगढ़ी पौराणिक स्थल है, लेकिन गेट वगैरह नहीं होने की वजह से भटक जाते हैं। तो वो भी कल हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया, और नव निर्माण काम जितने भी हनुमानगढ़ी में होंगे वो हनुमानगढ़ी विकास समिति के दायित्व पे होगा। हनुमानगढ़ी विकास सेवा समिति के नाम पे है, निर्माण कार्य उसी के आधार पे होगा, बाकी हनुमानगढ़ी सेवा समिति हमेशा सर्वोपरि है, लगेगी, सहयोग में रहेगी। चलिए, धन्यवाद।